Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. So, बच्चों हमने जो है first chapter honeycomb का जो है three questions जो है हमने complete कर लिया है. आज हम उसकी summary करेंगे और then question answers जो भी दिए हैं उसको जो है हम discuss करेंगे. तो बच्चों आप लोगों के पास books है? Right. कोई बच्चा रीडिंग करेगा, इंटरेस्टेड है रीडिंग करने के? देखते हैं आप लोगों को कितनी रीडिंग आपकी शार्प है. तो अगर कोई बच्चा रीडिंग करना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड. एक बच्चा रीडिंग करके दिखाए कि कितनी रीडिंग आप लोगों को आती है. प्रोनंसिएशन देखना चाहती हूँ मैं. GIC सिमाली, आप लोग माइक लेके रीडिंग कर सकते फर्स्ट चैप्टर की. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? माइक ले लें आप. व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अर्शुमा. तो आप रीडिंग करेंगे फर्स्ट चैप्टर थ्री क्वेश्चंस की. आप रीडिंग करें फिर हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. बुक है आपके पास? किसी बच्चे के पास है बुक? नो मैम. अच्छा, जो थ्री क्वेश्चंस मैंने चैप्टर पढ़ाया आपके समझ में आया बेटा? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो बेटा. चैप्टर समझ में आया आपके? नहीं आया? आप क्लास में नहीं थे बच्चे? आज आप फर्स्ट ही हो क्लास में. ओके. और कोई बच्चा है जिसकी समझ में नहीं आया? सबको फर्स्ट ही है आज क्लास में. ओके, कोई बात नहीं बच्चे. अभी हम समरी करेंगे तो आपको मैं फिर से समझा दूंगी चैप्टर और मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी. इसलिए आप लोग ध्यान दें और रेगुलर अपनी क्लासेस लें क्योंकि अभी आपके यूनिट टेस्ट होंगे और अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोगों को ना बच्चों प्रॉब्लम होगी. और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं सिस्टम के माध्यम से. राइट. तो आपके अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसी समय हमसे बात कर सकते हैं. तो आप बैठ जाओ, अभी मैं आपको समझाती हूँ दोबारा से. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों अभी GDIC किच्छा से एक बिटिया ने जो है क्वेश्चन पूछा, मतलब उसकी समझ में नहीं आया है चैप्टर, समझ में नहीं आया, आज उसका फर्स्ट डे है, उसने पढ़ा नहीं है. तो अभी मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ. तो बच्चों ध्यान से देखें और समझे चैप्टर्स को क्योंकि आगे आपके यूनिट टेस्ट आएंगे. तो अभी मैं साइड बाई साइड जो है क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी आपसे. तो सब जो है अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए. राइट. और कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है तो हमसे जो है उसी समय ऑन द स्पॉट आप लोग जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. तो हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. तो इस चैप्टर में बच्चों क्या है, इन दिस चैप्टर देयर वाज अ किंग. एक किंग है जो इस बात पे बिलीव करता है, विश्वास करता है कि यदि उसको थ्री क्वेश्चन जस्टिफाई करा हमारे चैप्टर का जो टाइटल है थ्री क्वेश्चन की, तीन क्वेश्चन कि अगर मुझे जो है, राजा बोलता है कि अगर मुझे उसे विश्वास है कि अगर मेरे को तीन क्वेश्चंस के आंसर जो है परफेक्ट पता चल जाएंगे तो मैं क्या करूंगा कि आई विल नेवर बी फेल्ड इन माय लाइफ, कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होऊंगा. राइट. तो थ्री क्वेश्चंस कि अगर मुझे, इफ उसने क्या क्वेश्चन इसमें क्या लगाया कंडीशन कि इफ अगर मुझे जो है तीन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो इसके लिए उसने क्या करा, ही सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम. पूरे राज्य में उसने मैसेंजर्स, मैसेंजर्स किसको बोलते हैं, दूत, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, दूत, उनको भेजा. किस लिए भेजा? कि थ्री क्वेश्चन के वाइज मैन को बुलाने के लिए, बुद्धिमान लोगों को जो उनको जो है करेक्ट आंसर दें. इसके लिए उसने क्या कहा कि मैं रिवॉर्ड दूंगा विच वॉज ए लार्ज सम ऑफ मनी. हाउएवर द वाइज मैन हु केम फॉरवर्ड वर अनेबल टू आंसर हिज क्वेश्चन करेक्टली. पर बहुत से वाइज मैन आए बट सब जो है फेल हुए, उसके करेक्ट आंसर नहीं दिए. दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. मतलब एक शॉर्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, समरी हम लास्ट में पढ़ेंगे. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड, वेदर ही वाज सेटिस्फाइड और नॉट. तो यहाँ पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, अभी मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी कि किस तरह से उसके थ्री क्वेश्चन थे एंड व्हाट वर द थ्री क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन थे, व्हाट इज द राइट टाइम. अब सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि पूरा चैप्टर जो है इन तीन क्वेश्चंस में रिवॉल्व हो रहा है. पूरी चैप्टर में यही तीन क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं और लोगों ने कैसे जवाब दिए हैं, दैट इज द मतलब पूरा चैप्टर जो है रिवॉल्व अराउंड दीज थ्री क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, ध्यान से देखें कि तीन क्वेश्चन कौन कौन से पूछे थे. पहला क्वेश्चन वो चाहता था कि इसका आंसर मेरे को करेक्टली मिले, व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी काम को करने के लिए राइट समय, सही समय कौन सा है. राइट. दूसरा क्वेश्चन राजा का क्या था, थ्री क्वेश्चंस बता रही हूं मैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन द समथिंग
एंड सेकेंड क्वेश्चन इज विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि किन किन लोगों को उसको सुनना चाहिए, क्योंकि वो तो राजा था, कि किंगडम का क्या है, राजा था, तो उसे किन किन लोगों को सुनना चाहिए, ये क्वेश्चन वो चाहता था, क्योंकि बहुत लोग आते थे सभा में। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो उसको करना चाहिए, राजा को करना चाहिए। तो तीन क्वेश्चन कौन कौन से हुए बच्चों, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई काम करने के लिए सही समय कौन सा है। सेकेंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट टाइम एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क फॉर हिम टू डू, कौन सा काम उसे जो है करना चाहिए, या कौन सा ऐसे लोगों को जो है उसे सुनना चाहिए, या काम कब करना चाहिए। दीज आर थ्री क्वेश्चन। तो देखेंगे अभी हम पूरा चैप्टर जो है इन तीन क्वेश्चन पे रिवॉल्व करेगा। अब जो है बहुत, और इसके लिए उसने क्या कहा है कि मैं जो हूँ प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, उसने कहा जो करेक्ट आंसर देगा उसे मैं बहुत सारा पैसा दूंगा। अब सारे जो है वाइज मैन आए, बहुत सारे लोग आए और सबने जो है आंसर दिए ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। अब फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स क्या दिए, अभी क्वेश्चंस आएंगे तो यही आपको जवाब देने हैं, तो लिसन टू मी केयरफुली। कुछ लोगों ने क्या बोला, सम पीपल सेड कि राजा का क्या होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे हम स्कूल में जाते हैं हमारा एक टाइम टेबल होता है, समय पे घंटी बजती है, समय पे जो है हम अपना काम करते हैं, टाइम टू टाइम टीचर आता है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, किसी कुछ सम पीपल सेड कि द किंग मस्ट हैव बस प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि वो अपना टाइम टेबल बना ले और स्ट्रिक्ट फॉलो इट, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे। इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो कुछ लोगों ने क्या बोला बच्चों, अब आंसर आएगा आगे क्वेश्चन में आएगा। कुछ लोगों ने क्या कहा कि सम पीपल सेड कि राजा मस्ट नीड अ टाइम टेबल और स्ट्रिक्टली फॉलो इट, जिससे वो प्रॉपर काम करेगा। बट होता है ना कि अगर मैंने कुछ कहा तो दूसरा बोलेगा नहीं नहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने कहा नो नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो अदर सेट कुछ पीपल ने क्या बोला दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड। अब कुछ लोगों ने क्या बोला कि भाई ये इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, क्यों एडवांस में हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता। तो उन्होंने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किसी ने कहा भाई टाइम टेबल बना लो, और दूसरे ने क्या कहा, अदर सेड नो 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 इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड द राइट टाइम इन एडवांस। कि हम एडवांस में कैसे सोच सकते हैं, हमें तो हमने फ्यूचर के बारे में नहीं पता। द किंग जो है इन सारी बातों को जो है नोटिस कर रहा था, देख रहा था। कुछ लोगों ने क्या बोला, द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ, एक सभा होनी चाहिए किसकी, बुद्धिमान लोगों की, वाइज मैन की, राइट, Who would help him act at the proper time? कि वो समय समय पे जो है उसको help करता रहेगा। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. तो उस किसी ने कहा कि भाई क्या होना चाहिए, wise man होना चाहिए। First question के answers हैं ये कि लोगों ने क्या क्या बोला। तो कुछ people ने क्या बोला कि timetable होना चाहिए। Some said no, it is not possible to decide in advance what is the right time फॉर डूइंग समथिंग। उसने बोला नहीं नहीं राजा को क्या चाहिए, काउंसिल बनानी चाहिए वाइस मैन की। अब कुछ लोगों ने क्या बोला, अब होता है ना कि उसने कुछ लोगों ने उसको भी अपोज करा और उन्होंने कहा नहीं नहीं अगर हमें कोई अर्जेंट वर्क होगा तो हम वेट थोड़ी करेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। काउंसिल का हम वेट करेंगे कि भाई वो आएगा और हमें कब बताएगा। तो ये भी जो है उनकी स्कीम क्या हो गई, फेल हो गई, राइट। तो जो उसने जवाब दिया था वो भी जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं था। और उन्होंने कहा अगर हमें जो है फ्यूचर के बारे में जानना है तो लुक इनटू द फ्यूचर, तो कहाँ जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए कि वही बता सकता है कि राइट टाइम क्या है। परंतु वो भी क्या करेगा, एज्यूम करेगा कुछ भी चीज जो है करेक्टली कोई नहीं बता सकता फ्यूचर के बारे में। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड, तो दीज आर द आंसर्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या क्या आंसर थे, उसने बोला टाइम टेबल बनाना चाहिए, किसी ने बोला नहीं नहीं कि राजा को क्या बनाना क्या करना चाहिए, काउंसिल बनाना चाहिए वाइस मैन की, किसी ने कहा नहीं नहीं उसे कहाँ जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। अब लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर्स में क्या बोला लोगों ने, सम सेड दैट, सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, विच पीपल शुड ही लिसन टू,
किन लोगों को उसे सुनना चाहिए, किसको? राजा को। अब उसने बोला कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर था सम सेट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग व किसी ने बोला कि काउंसलर्स को सुनना चाहिए जो उसके काउंसलर्स हैं, किसी ने बोला नहीं नहीं पुजारी को सुनना चाहिए, प्रिस्ट को सुनना चाहिए, किसी ने कहा नहीं नहीं डॉक्टर्स को सुनना चाहिए, डॉक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर किंग, किसी ने कहा नहीं नहीं जो सोल्जर्स होते हैं उनको सुनना चाहिए, राइट? तो दिस इज दीज आर द आंसर फ्रॉम द डिफरेंट पीपल। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो है लोगों ने डिफरेंट आंसर्स दिए, वर द नेसेसरी, राइट? तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला लोगों ने कि नहीं भाई काउंसलर को सुनना चाहिए, डॉक्टर्स को, प्रिस्ट को, सोल्जर्स को, राइट? अब लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या दिया लोगों ने कि सम सेट साइंस, उसने कहा साइंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सा काम करना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं भाई विज्ञान के बारे में पढ़ना चाहिए, यस काम करना चाहिए। अदर चोज फाइटिंग, उन्होंने कहा नहीं भाई वो राजा है उसको जो है किस पे ध्यान देना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क क्या है उसके लिए, फाइटिंग पे ध्यान देना चाहिए। एंड येट अदर्स, और कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई उसे पूजा पाठ करना चाहिए, रिलीजियस वर्शिप। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट आंसर्स, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे है, राइट? सेकेंड का यहाँ पे दिया है उन्होंने फ्रॉम हियर, एंड थर्ड का आंसर जो है यहाँ पे, थर्ड का जो है आंसर ये। तो अभी एक क्वेश्चन आएगा उसमें यही आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, उसके आंसर्स क्या दिए लोगों ने, डिफरेंट पीपल डिफरेंट आंसर्स, राइट? किसी ने कहा टाइम टेबल होना चाहिए, किसी ने कहा नहीं भाई इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम, किसी ने कहा नहीं भाई नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइस मैन, बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल होनी चाहिए, किसी ने कहा नहीं भाई किसी मैजिशियन के पास जाना चाहिए वही डिसाइड कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने कहा किस किस को राजा को सुनना चाहिए, तो उन्होंने कहा काउंसलर्स को, प्रिस्ट को, डॉक्टर्स, सोल्जर्स, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए, थर्ड क्वेश्चन साइंस, फाइटिंग और रिलीजियस वर्शिप, क्लियर? तो ये रिवीजन करा रही हूं मैं इसीलिए जल्दी जल्दी शॉर्ट में बता रही हूं क्योंकि ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। एज आंसर टू इस क्वेश्चन, क्योंकि आंसर्स क्या थे सारे डिफरेंट थे, तो राजा कैसे सेटिस्फाइड होता, वह सो डिफरेंट, सबने अलग अलग आंसर दिए। मान लो अगर 10 में से 8 को 8 बच्चों का जो है आंसर सही होता है तो क्या होगा कि क्या एज्यूम करेंगे कि हाँ मे बी दीज आंसर्स आर करेक्ट, बट हियर क्या था डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन थे और ईच क्वेश्चन के आंसर कैसे मिले, डिफरेंट आंसर्स, डिफरेंट पीपल डिफरेंट आंसर, बहुत सारे लोग थे और जो है आंसर सबने डिफरेंट डिफरेंट दिए, कोई भी जो है एक दूसरे के आंसर से जो है तो राजा भी जो था वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, जब वो सेटिस्फाइड नहीं था तो जो उसने अनाउंस किया था कि भाई मैं रिवॉर्ड दूंगा इफ आई वॉज सेटिस्फाइड, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड सो ही गेव नो रिवॉर्ड, इंस्टेड ही डिसाइडेड, अब इसके बदले उसने क्या कहा कि मैं हर्मिट के पास जाऊंगा, हर्मिट किसको बोलते हैं, साधु के पास, कि वही जो है क्योंकि उसने सुना हुआ था कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, विजडम, हिज विजडम, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, अब यहाँ पे वुड किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, फॉरेस्ट के लिए, अब जो वो हर्मिट था वो कहाँ रहता था, जंगल के बीच में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, कभी भी वहां से छोड़ के नहीं जाता था, ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने बस खाली सिंपल लोगों को देखा था, तो राजा ने भी क्या करा जो उसकी रॉयल ड्रेस थी उसको जो है उसके बदले उसने इंस्टेड दैट ही पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, उसने साधारण कपड़े पहने और किससे मिलने गया, हर्मिट से, बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हाउस, हर्मिट के हाउस में के मतलब हट के पास पहुंचने से पहले राजा ने क्या करा, अगर राजा जो है अपने बॉडीगार्ड के साथ या अपने हॉर्स में जाता तो वो उसको पहचान जाता, राइट? तो राजा ने क्या करा, ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, अब बॉडीगार्ड और हॉर्स को उसने थोड़ी दूरी पे छोड़ दिया एंड वेंट अलोन। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, अब जैसे ही वो हर्मिट के हट के पास गया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, डिगिंग मीन्स खोदना, सॉ सी सॉ, अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी देखते रहे कहाँ कहाँ यूज हो रही है, जैसे गिव गेव तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हियर इट इज ऑल्सो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सी सॉ, राइट? तो वो क्या कर, उसने क्या देखा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को खोद रहा था इन फ्रंट ऑफ हिज
हाउस, फ्रंट मीन्स सामने, उसके हट के सामने जो है झोपड़ी के सामने क्या था, एक ग्राउंड था और उसमें वो डिगिंग कर रहा था, खोद रहा था। ही ग्रीटेड, ग्रीटेड मीन्स वेलकम करना, द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। अब उसने जो है ग्रीट तो करा, बट क्या करा, वो कंटिन्यूस डिगिंग करने लगा, उसने ध्यान नहीं दिया कि कौन आया है करके। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। अब हर्मिट कैसा था बच्चों, बहुत ज्यादा कमजोर, बूढ़ा था, ओल्ड था और वीक था। एंड हिज वर्क ही ब्रेथ हैवीली। अब जो वीक होते हैं या ओल्ड होते हैं, या मान लो कभी हमें भी वीकनेस आती है और हम दौड़ते हैं तो हमारी हार्ट बीट कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो सिमिलरली वो बहुत ज्यादा ओल्ड था, द हर्मिट वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक। तो वो जब डिगिंग कर रहा था, ही वर्क, तो वो क्या कर रहा था, हाफ रहा था हैवीली, राइट, बीट जो है उसकी फास्ट हो रखी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब राजा था बट वो ऑर्डिनरी ड्रेस में था, तो उसने बोला आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट। अब क्यों आया था राजा बच्चों हर्मिट के पास, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, थ्री क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे। क्या चाहिए थे, थ्री क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने डिफरेंट वाइस पीपल से पूछा था बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो राजा ने बोला आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, राइट। तो थ्री क्वेश्चन कौन कौन से थे, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों, कि पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, दूसरा क्या था विच पीपल ही वांट टू लिसन, सॉरी किन बच्चों लोगों को से सुनना चाहिए था, और थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द इम्पोर्टेंट वर्क या इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। तो अब राजा ने कहा कि भाई मैं आया हूं यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूछने, हाउ कैन आई लर्न टू डू, कि मैं कैसे, मेरे को पता चलेगा कि राइट टाइम किसी काम को करने के लिए जो है राइट टाइम कौन सा है, सही समय कौन सा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन उसने पूछा हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों को जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या मुझे सुनना चाहिए, एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन कौन से काम जो मुझे इम्पोर्टेंट करने। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने जो है यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है लिसन, उसने जो है हर्मिट ने लिसन टू द किंग सुना बट डिड नॉट रिप्लाई, हर्मिट डिड नॉट रिप्लाई, उसने कोई जवाब नहीं दिया, राइट। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा, अपना काम करता रहा कंटिन्यू। अब राजा ने देखा कि जो है रिप्लाई नहीं करा है, तो उन्होंने कहा यू आर टायर्ड, अब जो है तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, सेड द किंग लेट मी टेक, कि मुझे जो है ये अपनी स्पेड, स्पेड किसको बोलते हैं, फावड़ा खोदने के लिए जो टूल यूज करते हैं एग्रीकल्चर टूल, उसको बोलते हैं स्पेड, एंड वर्क इन योर प्लेस, और मैं तुम्हारी जगह जो है काम करना चाहता था। तो हर्मिट क्या काम कर रहा था बच्चों, डिगिंग द ग्राउंड। थैंक्स सेड द हर्मिट, अब जो है हर्मिट ने रिप्लाई करा, उन्होंने कहा धन्यवाद, गिविंग द किंग हिज स्पेड। अब उसने जो है हर्मिट ने क्या करा, जो स्पेड थी वो किसको दे दी, राजा को। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे भी अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, नीचे बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग, पास्ट परफेक्ट टेंस, टू बेड्स, अब टू बेड्स यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, क्यारियों के लिए यूज हुआ है, कि जैसे हम जो है डिगिंग करते हैं और क्यारी बनाते हैं, तो यहाँ पे टू बेड्स इज यूज फॉर क्यारी। हैड डग टू बेड्स, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। अब राजा जो है मेनली जो किस पर्पज से आया था, पर्पज क्या था, टू आंसर, टू आंसर हर्मिट द आंसर ऑफ थ्री क्वेश्चन, तो उसने कहा रुक गया वो, फिर उसने बोला अगेन ही रिपीटेड द क्वेश्चन, उसने फिर से तीन क्वेश्चन को जो है रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, अगेन द हर्मिट डिड नॉट रिप्लाई, डिड नॉट स्पीक, उसने एक शब्द भी फिर से नहीं बोला, बट स्टूड अप और खड़ा हो गया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट। अब हर्मिट ने क्या करा, अपना जो है उसने कहा कि भाई अब तुम जो है बैठ जाओ, टेक सम रेस्ट, आई डू माई वर्क, लेट मी वर्क, कि मेरे को करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, अब राजा ने जो है उसको स्पेड नहीं दिया, एंड कंटिन्यू टू टेक। वन आवर पास, अब एक घंटा जो है बीत गया था। देन अनदर, अब इस तरह से जो है सुबह से शाम हो गई। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। अब राजा जो है मेनली उसका पर्पस था
टू आस्क द क्वेश्चंस. तो उसने फिर से पूछा उसे, स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में रख दिया उसने. आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माय क्वेश्चन. अगेन ही आस्क द क्वेश्चंस. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, तो उसने कहा अगर तुम मुझे आंसर नहीं देते हो, मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हो, तो टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस चला जाऊंगा. राइट right? अगर तुम आंसर देते हो तो इट्स ओके, अगर नहीं भी देते हो तो आई विल गो बैक. हियर समवन, अब हरमिट जो था क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा था, इसका आंसर अभी आ जाएगा बच्चों. तो उसने क्या कहा, हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. अब हर्मिट ने कहा देखो कोई जो है यहाँ पे आ रहा है दौड़ा हुआ. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन, एंड दिस इज नाउ द योर सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से जो है वो डिगिंग कर रहा था और किस तरह से जो है उसने हेल्प करी थी. राजा ने अपने ऑर्डिनरी क्लोथ्स में आया था. अब जो है हर्मिट ने कहा कि द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन, बियर्डेड मीन्स दाढ़ी वाले आदमी को देखा. जैसे टर्न करा, मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. अब उसने हाथ से अपना पेट को जो है, स्टमक में पेट को जो है दबा के रखा हुआ था. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जहां से क्या निकल रहा था, ब्लड. व्हेन ही रीच द किंग, अब जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, रीच फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में किंग, ही फेंटेड, वो फेंट हो गया क्या, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द, अब दोनों ने मिलके, देखो किंग और हर्मिट दोनों ने मिलके क्या करे, उसके रिमूव द men's clothes and found a large wound in his stomach. उन्होंने क्या देखा कि वहां पे एक बहुत बड़ा क्या हो रखा है, घाव हो रखा है. wound means घाव. The king washed and covered it. अब king ने क्या करा, राजा था कहां, अपने महल में काम नहीं करता था, वहां देखो ordinary जो है बन के जो है, ordinary people बन के जो है किस तरह से help कर रहा था. covered it with his handkerchief, अपने रुमाल से उसने उसको cover करा. but The blood would not stop flowing. परंतु ब्लड जो है अभी भी बह रहा था. द किंग री एड्रेस्ड, उसको फिर उसने रीएड्रेस्ट करा. द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. द मैन फेल्ट बेटर, अब जो है वो थोड़ा सा जो है बेटर फील कर रहा था. एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब राजा ने क्या करा, ब्रॉट फ्रेश वाटर. अब वो ताजा पानी लाया, फ्रेश वाटर, एंड गिव इट टू हिम. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, अब जो है सन जो है सेट हो चुका था. And the air was cool, ठंडी हवा थी. The king with the hermit's help carried the wounded man. अब king ने और राजा के, राजा ने hermit के help से उस wounded man को कहाँ रखा, hut में, right? And laid him on the bed, और उसको bed में लेटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet, और वो चुपचाप आँख बंद करके जो है लेट गया. The king tired by his walk, अब राजा थे, राजा कभी इतना चले नहीं थे, so he was tired and the work he had done, और जो काम किया था, कभी राजा ने काम नहीं किया होगा उस दिन, उसने जो है इतना काम किया था. he lay down on the floor, और floor में ही जो है, जमीन में ही जो है वो क्या हो गया, लेट गया. एंड स्लैप through the night, जल्दी से होता है ना बच्चों, हम भी थक जाते हैं तो क्या होता है, जल्दी से नींद आ जाती है. तो राजा था वो, तो राजा ने कभी काम नहीं किया होगा, तो वो जो है इतना टायर्ड हो गया था, he was very tired, कि वो जो है he lay down on the floor और slept, और जल्दी से सो गया. When he awoke, और जब वो उठा, it was several minutes before he could remember where he was. मतलब इतने, मतलब it was several minutes before कि ये remember, याद करता कि where he was, वो कहाँ है, और who the strange bearded man lying on the bed was, और जो बिस्तर पे जो दाढ़ी वाला आदमी बैठा है वो कौन है, लेटा है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. अब जो वो बहुत ज्यादा क्या था, weak था, कमजोर था, क्योंकि ब्लड लॉस हो गया था उसका. तो उसने बोला कि एक आवाज, पतली वीक वॉइस में बोला, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो. व्हेन ही सॉ दैट द किंग, जब उसने देखा कि किंग जो है अवेक उठ गया है, तो आई डू नॉट नो यू. अब राजा ने बोला, भाई मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो यू, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और तुम्हारे को मेरे को माफ करने के लिए ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं है, कि ना मैं तुम्हें जानता हूँ, और ना मेरी समझ में आ रहा है कि किस लिए तुम माफी मांग रहे हो. Said the king, you do not know me, but I know you. That bearded man said to king, कि भाई तुम नहीं मेरे को जानते हो, पर मैं तुम्हें जानता हूँ. I am that enemy of yours. अब यहाँ पे ध्यान से देखें बच्चे, कि मैं तुम्हारा जो हूँ, क्या हूँ, enemy हूँ. Enemy means दुश्मन हूँ. Who swore
रिवेंज, बदला, रिवेंज मीन्स बदला लेने के लिए मैंने कसम खाई थी, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, कि तुमने मेरे भाई को क्या कहा था, मृत्यु दंड दी थी, ब्रदर टू डेथ एंड सीज, सीज मैंने होल्ड करना, प्रॉपर्टी को जो है मेरी क्या कर दिया था, जब्त कर दी थी, सीज माई प्रॉपर्टी, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मुझे पता था, न्यू मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नो, के साइलेंट रहता है बच्चों ये ध्यान रखना, के साइलेंट है न्यू, तो नो न्यू, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई न्यू यू हैड, मेरे को पता था कि तुम जो है हर्मिट के पास जो है कैसे जाओगे, अलोन, अकेले, एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था टू किल यू, तुम्हें मारने के लिए, ऑन योर वे होम, कि जब तुम वापस आओगे मिलके, और मुझे पहले से पता था, आई न्यू कि तुम जो है अकेले जाओगे और अकेले आओगे, तो दैट इज व्हाई आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, राइट, बट द डे पास्ट, परंतु एक दिन बीत गया, अब राजा तो किसी कारणवश वहां रुक गया था, आप लोगों को पता है क्यों रुका था, तो उसने कहा कि बट द डे पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न, तुम वापस नहीं आए, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस किसको बोलते हैं बच्चों, जहां पे वो छुपा था, हाइड कराता, हाइड मीन छुपना, तो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं जब एक दिन बीत गया आप वापस नहीं आए, तो मैंने क्या करा, आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अप, और जो तुम्हारे जहाँ पे बॉडी गार्ड थे मैं वहां गया, हु रिकॉग्नाइज, और जिन्होंने क्या रिकॉग्नाइज मीन्स मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया, आई एस्केप, एस्केप किसको बोलते हैं, कि मैं वहां से बच के निकला फ्रॉम हिम, बट आई शुड हैव डाइड, कि मैं मर जाता, इफ यदि तुम जो है मेरी ड्रेस नहीं करते, मेरे वुंड का ड्रेसिंग नहीं करते, तो मैं मर जाता, और कहां से एस्केप होके आया था, तुम्हारे बॉडी गार्ड से, आई विश टू किल यू, और मैं चाहता था कि तुम्हें मारना, बट यू हैव सेव्ड मी, परंतु तुमने क्या करी, मेरी जान बचाई, सेव माई लाइफ, नाउ इफ आई लिव, और अगर मैं जिंदा रहा तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जो है तुम्हारा एक जो फेथफुल सर्वेंट बन के जो है पूरी जिंदगी सर्व करूंगा, और अपने बच्चों से भी, अपने सन से भी कहूंगा कि सेम करने के लिए, डू डू द सेम, फॉरगिव मी, अगेन एंड अगेन जो है वो उसे माफी मांग रहा था। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। अब जो राजा था उसको जो है बहुत खुश हो गया, क्योंकि इतनी शांति से उसने अपने दुश्मन के साथ जो है, एक होता है ना कि अगर लड़ाई करेंगे तो वो बहुत लंबी खींच जाती है, तो एक सेटिस्फाइड था वो कि किस तरह से जो है एक दुश्मन के साथ जो है उसने फ्रेंडशिप कर ली, एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेट, अपना एक तो उसने उसको माफ कर दिया, दूसरा उसने क्या करा कि उसने कहा कि मैं अपने सर्वेंट को भेजूंगा एंड हिज ओन डॉक्टर, अपने डॉक्टर को, टू लुक आफ्टर हिम, एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उसने कहा भाई मैं जो हूँ जितना मेरे से हो सकता है, उसने उसको माफ कर दिया, और सेकेंड थिंग उसने कहा कि मेरा सर्वेंट, मेरा जो है सर्वेंट आएगा, मेरा अपना डॉक्टर आएगा आपको जो है लुक आफ्टर करने के लिए, और सेकेंड थिंग कि उसने प्रोमिस किया, ही प्रोमिस टू गिव बैक ऑल द प्रॉपर्टी जो उसने सीज करी थी, लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट ऑफ द हर्ट, अब राजा जो है उसको छोड़ के कहां गया, हर्मिट को ढूंढने गया, अब उसने इधर उधर देखा, लुक राउंड मींस इधर उधर देखा, बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, अब मैं जिस पर्पस के लिए गया था या गई थी, अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो मैं जाने से पहले सोचूंगी ना, अरे मुझे इसका आंसर मिल जाता तो कितना अच्छा होता, तो राजा ने भी क्या करा, बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड, क्यों से लगा कि अगर मुझे जो है टू गेट द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन, द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, अब उन्होंने उधर उधर देखा तो उसने देखा कि हर्मिट क्या कर रहा था, ऑन हिज नीज सोइंग सीड, सोइंग मीन्स बोना, बीज बो रहा था, जो कि उन्होंने बैट्स बनाए थे, कब बनाए थे, डे बिफोर, एक दिन पहले जो बनाए थे, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम, उसने कहा भाई, राजा ने कहा मैं आखिरी बार तुमसे बोल रहा हूँ, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, कि लास्ट बारी में जो तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मेरे को जो है प्लीज आंसर दे दो वाइस मैन, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अब यहाँ पे जो है हर्मिट ने क्या बोला कि तुम्हें जो है ऑलरेडी आंसर जो है मिल गए,
तो बच्चों, अभी बच्चों ने जो कहा था कि हम जो है आज हमारा फर्स्ट डे है, इसलिए मैंने जो है रिवीजन कराया आपको, एक क्विक रिवीजन करा रही हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है घर से रीडिंग करके आए और पढ़ के आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर।